मध्य प्रदेश बुलंदाबाद नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा आज गांधी चौक पर गांधी प्रतिमा के समक्ष अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इसमें सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद हैं और नारेबाजी कर रही हैं। इसमें उन्होंने मांग की है कि कर्मचारी का दर्जा दिया जाए एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सेवानिवृत्त पर उचित सम्मानित राशि प्रदान की जाए, समस्त शासकीय अवकाश का लाभ दिया जाए, परिवार स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया जाए, अनुकंपा नियुक्ति प्रावधान लागू किया जाए, महिला बाल विकास के अलावा अन्य विभाग का कार्य कराया जाए। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा जिले से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। मेरा नाम मिथिलेश श्रीवास्तव है। हमारा उद्देश्य बस एक ही है, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारा कोई आंदोलन करने का मन था, लेकिन हमें जब किसी प्रकार का दर्जा नहीं है। हम एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मान सेविका का हमें नाम दिया गया है, हम चाहते हैं कि हमें कर्मचारी का दर्जा मिले, नियमित किया जाए। एक तो नियमित किया जाए और दूसरा है हमारा कि जब कार्यकर्ता और सहायिका रिटायर होकर जाती है उसको कुछ प्रोत्साहित राशि दी जाए, कार्यकर्ता और सहायिका को जनरल प्रमोशन दिया जाए। तीन मांगों के सिवा हमारी चौथी कोई मांग नहीं है। ये हमें, हम ये नहीं कह रहे कब तक है, आज से हमने शुरू किया है, हमारी मांगों को मान लें, हम तो शाम को ही वापस चले। अगर हमारी मांगों को मान लिया जाता है तो हमारा कोई धरना नहीं है। हमने सीएम साहब को भी आवेदन दे चुके हैं, कई बार हमने उन्हें से अनुरोध किया है, चूँकि अभी तक हमारा कोई भी हमें आंसर नहीं मिला, इसलिए आज हम सड़क पर उतर आए हैं। हेलो एक्चुअली